समान व असमान पद। इस वीडियो से हम सीखेंगे समान व असमान पद यानी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। बच्चों, अभी तक हमने व्यंजक के पदों यानी टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है। आइए इसे पेड़ आरेख यानी ट्री डायग्राम के माध्यम से दोहराते हैं। जैसा कि यहाँ व्यंजक 6y^2x + 3xy दो पदों को संयोजित करके बना है, जिसमें 6y^2x पहला पद और 3xy दूसरा पद है। व्यंजक 6y^2x + 3xy में 6y^2x के गुणनखंड 6yx है और 3xy के गुणनखंड 3xy है। यहाँ पर पहले पद में x का गुणांक 6y^2 व y का गुणांक 6xy है और दूसरे पद में x का गुणांक 3y व y का गुणांक 3x है। आइए अब हम समान व असमान पदों के बारे में समझें। रीना और राज दो अच्छे दोस्त हैं और उनके पास कुछ खिलौने हैं। राज के पास कुल 5 हाथी, 2 शेर और 3 घोड़े हैं। इसी प्रकार रीना के पास 7 हाथी, 1 शेर और 3 खरगोश हैं। दोनों दोस्तों के खिलौनों को समान व असमान समूहों में विभाजित करें। यहाँ पर समान समूह बनाने के लिए हम रीना और राज के हाथियों को एक स्थान पर रखेंगे और इसी प्रकार शेरों को दूसरे स्थान पर रखेंगे। ऐसे ही अब असमान समूह बनाने के लिए खरगोश और घोड़ों को अलग अलग स्थान पर रखेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ हाथियों में हाथियों का और शेरों में शेरों का समूह बनाया है, क्योंकि ये समान हैं, जबकि खरगोश और घोड़े असमान हैं, इसलिए इनका एक अलग समूह बनाया है। इसी प्रकार यदि किसी बीजीय व्यंजक के पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हों, तो वे समान पद यानी लाइक टर्म्स कहलाते हैं और यदि इनके पदों के बीजीय गुणनखंड अलग अलग हों, तो ये असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इस व्यंजक में समान व असमान पदों को पहचानिए। 5x^2 + 3y^2 z = 7x^2 + 5xy + 4y^2 z = 2xy + 2ab 5x^2 के गुणनखंड 5xx है। 3y^2 z के गुणनखंड 3yyz है। 7x^2 के गुणनखंड 7xx है। 5xy के गुणनखंड 5xy है। 4y^2 z के गुणनखंड 4yyz है। 2xy के गुणनखंड 2xy है और 2ab के गुणनखंड 2ab है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पद 5x^2 व 7x^2 के बीजीय गुणनखंड xx और 3y^2 z व 4y^2 z के बीजीय गुणनखंड yyz और 5xy व 2xy के बीजीय गुणनखंड xy एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें समान पद कहेंगे और 2ab के बीजीय गुणनखंड ab अलग हैं, इसलिए इसे असमान पद कहेंगे। बच्चों,
इस वीडियो की मदद से आपको समान व असमान पदों का ज्ञान हो गया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।